पंजाब में कदम रखते ही केजरीवाल ने कर दिया तगड़ा ऐलान, 13 की 13 सीटों पर जीतने जा रही है आम आदमी पार्टी। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं। यहां अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर बने हुए आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन करने पहुंचे। आपको बता दें कि जालंधर में 165 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। अब पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक की संख्या 829 हो गई है। इस पर अरविंद केजरीवाल का कहना था कि कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित ना रहे, हर व्यक्ति को अच्छी और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने लोगों से पंजाब के 13 में से 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी यहां पर 13 की 13 सीटों पर जीत हासिल करती है तो भगवत मान के 13 हाथ और हो जाएंगे जो संसद में आपके लिए लड़ेंगे। अभी तक केंद्र सरकार से अकेले भगवंत मान जी लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार पंजाब के लोगों पर अत्याचार कर रही है। अब आइए पहले सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। जालंधर में एक साल पहले हम चुनाव के दौरान आए थे, बाई इलेक्शन का टाइम था, रिंकू हमारे कैंडिडेट थे, रिंकू के लिए वोट मांगने के लिए आए थे। तब हमने कहा था एक साल बाकी है लोकसभा चुनाव का, एक साल के लिए हमें मौका दो और एक साल के अंदर काम पसंद आए तो अगला मौका देना। एक साल के अंदर मैं ये नहीं कहूंगा सारी समस्याएं दूर हो गई, लेकिन मान साहब ने जैसे अभी गिनाया कि कितने सारे काम जालंधर के अंदर, कितनी सारी सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, सड़कें बनाई गई हैं और बहुत सारे काम जो हैं वो चालू किए गए हैं। अब मेरी पंजाब के लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के अपील है कि 13 की 13 सीटें आप हमें जिताओ। इसलिए नहीं कि हमें कोई सत्ता का शौक है, इसलिए कि आज जिस तरह से पंजाब के लोगों पे केंद्र सरकार का आक्रमण हो रहा है, मुझे बेहद दुख हुआ जब 26 जनवरी को पंजाब की झांकी के ऊपर भगत सिंह की फोटो थी, भगत सिंह का वो था, करतार सिंह सराभा का, लाला लाजपत राय की वो गुणगान था भाई भागो, और उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार होती कौन है भगत सिंह को, करतार सिंह सराभा को, लाला लाजपत राय को रिजेक्ट करने वाली? तो ये तो एक तरह से पंजाब के लोगों के सम्मान की बात है, ये तो एक तरह से पंजाब के लोगों का बेइज्जत करने की बात है। पिछले साल जब बजट स्पीच थी, बजट का सेशन था, गवर्नर ने बजट सेशन नहीं होने दिया, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा बजट सेशन करने के लिए। अभी जैसा इन्होंने बताया 8,000 करोड़ रुपया पंजाब के हक का, पंजाब के लोगों का 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार नहीं दे रही। सोचो अगर 8,000 करोड़ रुपया आ जाए, कितनी और सड़कें बनेंगी, कितनी और अस्पताल बन सकते हैं, कितने और स्कूल बन सकते हैं। तो अगर आप 13 की 13 सीटें दोगे तो भगवंत मान के हाथ मजबूत होंगे। आज अकेला भगवंत मान लड़ रहा है केंद्र सरकार से, आज अकेला भगवंत मान लड़ रहा है गवर्नर से, आज अकेला भगवंत मान लड़ रहा है बीजेपी से। अगर आप 13 सीटें देते हो तो 13 इसके हाथ 13 हाथ बन जाएंगे, वो जाके लड़ेंगे दिल्ली के अंदर, वो आपका पैसा लेके आएंगे, वो ये होने नहीं देंगे कि आपका मान सम्मान, पंजाबियों के मान सम्मान के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ कर सके। आपका जैसे 2 साल आपने देख लिया, हमें 2 साल देखे 2 साल के अंदर इतना शानदार काम हुआ है जो आज तक 75 साल में पंजाब के लोगों ने नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रहा सारी समस्याएं हल होगी, टाइम लगेगा, इन्होंने 75 साल में जो बेड़ा गर्क किया उसको ठीक करने में टाइम लगेगा, लेकिन आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। जैसे आपने 117 में से 92 देके आशीर्वाद दिया था, इतना ही तगड़ा आशीर्वाद हमें इस लोकसभा चुनाव के अंदर चाहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। तो सुना आपने किस तरह अरविंद केजरीवाल ने 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताने की बात कही। फिलहाल अब ये तो आने वाले वक्त पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में कितनी सीटों पर अपनी जीत हासिल कर पाती है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ लॉकर। आपके लिए न्यूज़ रूम से अमन बड़ियार की रिपोर्ट।